सो गाइस, फिलहाल मैंने बोट का स्मार्ट वॉच जो इसको ऑन कर लिया है। यहाँ पर आप जैसे चार्जिंग पिन लगाएंगे आपको जो स्मार्ट वॉच है वो ऑन हो जाएगा और कुछ इस टाइप से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके टोटल सेटअप की बात करते हैं, तो ये रहा हमारे पास फ़ोन। यहाँ पर आपको जाना है आपके प्ले स्टोर में और यहाँ से आपको बोट प्रो गेयर करके जो एप्लीकेशन एक आती है उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस बोट प्रो गेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ और ये इंस्टॉल आपकी जो बहुत जल्द हो जाएगी, बिकॉज का जो जितना काम है वो सारा आपका इसी एप्लीकेशन के थ्रू होने वाला है। और यहाँ पर ये कंप्लीट सेटअप होने वाला है। इस सेटअप को देखने में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड गाइस, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि जो हमारे आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल ये एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ से इसको हम सीधे ओपन करते हैं। मैं यहाँ पर आपको ब्राइटनेस टेस्ट कर देता हूँ थोड़ी, जिससे आपको काफ़ी समझने में काफ़ी सही आसानी रहे। तो यहाँ पर इस टाइप का आपको सेटअप मिलेगा, आप इसे कर सकते हैं। साइड में आपको कुछ की फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं और आप इनको भी साइड में कर दीजिए। डायरेक्टली आप यूज़ नाउ पर क्लिक करिए, यहाँ से आप एग्री करेंगे और यहाँ पर आप कन्फर्म करना है, ब्लूटूथ को अलाउ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस मांगे, इनको हम अलाउ कर देते हैं और देन यहाँ पर ये कनेक्टिंग दिखा रहा है। तो फिलहाल के लिए हम अपनी वॉच को पास में रखेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लोर का ऑप्शन आ चुका है जो कि इस वॉच का कोड है, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और फटाफट से जो वॉच हमारी वो पेयर हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश करने का अगर आपकी वॉच यही है। तो फिलहाल हमारी वॉच यही है, हम इसको कन्फर्म ब्रांड डिवाइस कर देते हैं और जो डिवाइस हमारा कंपेयर हो चुका है। यहाँ पर कुछ सेटिंग है, यहाँ पर मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अगर बर्थ की बात करें तो 1998 मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाइट जितनी मैक्सिमम होती रखते हैं। वेट का केजी में अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 65 के करीब ही वेट होगा, इतना मुझे एग्जैक्ट पता नहीं बट इतना मैं करके। और जो आपका एक्टिविटी गोल है लाइक 10,000 स्टेप डेली में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और स्लीप गोल जो रहता है मैक्सिमम एवरेज टाइम जो रहता है वो 8 घंटे का रहता है, तो ये काफ़ी अपने ऑटोमेटिक काफ़ी चीज़ें सेट कर लेता है। और यहाँ पर आपकी जो एक्सेस मांगता है इसको भी हम अलाउ कर देते हैं। तो ये फिलहाल के लिए हमारा अभी बैंड सेटअप हुआ, हम इसकी और इंटरनल सेटिंग्स की बात करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर जो आपकी एक्टिविटी है, स्टेप कितने हैं, कैलोरी कितनी बर्न करी, डिस्टेंस कितनी आपने चली है और एक्टिविटी कैसी क्या रही है आपकी, तो सारा कुछ यहाँ पर मिल जाता है। डिटेल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वीक की डिटेल मिल जाती है पूरे, और उसके बाद प्लस के आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना वेट वगैरह दोबारा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भी अपना डाटा वो दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम डिवाइस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कॉल अलर्ट का, तो यहाँ पर आपको इसको ऑन कर देना है। और यहाँ पर आपको 3 सेकंड पूछा, तो हमें 3 सेकंड नहीं, हमें इंस्टेंट चेंज जो भी हमारी कॉल आए तो इंस्टेंट हमको रिजल्ट मिले, तो यहाँ पर हम 1 सेकंड पर क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ सेटअप हो गई है। ये अलर्ट उस टाइम में काम में आएगा जैसे कि अगर आप 15 मिनट से कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही आपकी बॉडी में। यहाँ पर अगर कोई भी पीरियड टाइम सेट कर देते हैं उस पीरियड टाइम के बीच में अगर 15 मिनट से ज़्यादा में कोई एक्टिविटी नहीं होती तो यहाँ पर ये अलर्ट कर देता है। तो ये फीचर्स काफ़ी कमाल का है, इसको भी आप ओके कर सकते हैं। अलार्म अलर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर अपने अलार्म अलर्ट लिस्ट कर सकते हैं, जब आपने जैसे भी अलार्म लिस्ट करना चाहते हैं बस आपके अलार्म लिस्ट हो जाएंगे यहाँ पर। बाकी यहाँ पर SNS अलर्ट का आपको ऑप्शन मिलता है, तो इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर बोट गूगल प्ले सर्विसेज यहाँ पर अगर आप ऑन कर देंगे तो गूगल की जो भी एप्लीकेशंस होंगी वो सारा आपको यहाँ पर डाटा मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन का एक्सेस आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ हम बोट प्रो गेयर को इसको भी अलाउ कर देते, सारी सेटिंग अलाउ कर देते, बिकॉज हमको चाहिए हमारे पास जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी हमारे पास आएँ। अब यहाँ पर नोटिफिकेशंस का आ जाता है, जो हमको कैलेंडर नहीं चाहिए, ईमेल नोटिफिकेशन मुझे चाहिए होती हैं, SMS भी चाहिए होते हैं एंड यहाँ पर मेरा जीमेल का भी चाहिए होता है बिकॉज मुझे यूट्यूब वगैरह का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, तो मैं इन चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर अब आते हैं डायल सेटिंग्स के बारे में। तो डायल सेटिंग्स में आप अपने वॉलपेपर को लगा सकते हैं। वॉलपेपर फेसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर के फेसेस मिल जाते हैं। अब आप अपना लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना वॉलपेपर लगा सकते हैं, सेलेक्ट न्यू वॉलपेपर पे। अब क्लाउड बेस्ड फेसेस में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे लोडिंग में टाइम लगा रहा है, बट यहाँ पर आपको ये काफ़ी सारे वॉच फेसेस मिल जाएंगे और अनलिमिटेड वॉच फेसेस हैं। आप कोई भी वॉच फेस को अलाउ कर सकते हैं, लाइक अगर हम इसको लगाते हैं तो आपको सिंपली सेट वॉच फेस पर क्लिक करना है और आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद ये आपके वॉच पर काफ़ी अच्छे से लग जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर स्पीड स्लो आ रही है तो मैं भी आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगा, बट फिलहाल के लिए मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ और आई थिंक यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है, सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो वेट कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पर ये लगेगा आके। तो ये रही वॉच मेरे सामने, देन अभी के लिए यहाँ पर ये वॉच फेस लगा, अभी के लिए यहाँ पर ये वॉच फेस लग चुका है, ठीक है।
तो ये चीज़ है यहाँ पर, ये वॉच फेसेस लग चुका है। देन फिर हम बात करते हैं म्यूज़िक कंट्रोल की, तो म्यूज़िक कंट्रोल हम ऑन कर लेंगे यहाँ पर। और जो म्यूज़िक कंट्रोल है वो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिखा देता है कि आप किस एप्लीकेशन का म्यूज़िक कंट्रोल करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं आप उसका म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। और बाकी अब यहाँ पर हम बात करते हैं हार्ट रेट की डिटेक्शन की, ऑटोमेटिकली यहाँ पर की ऑटोमेटिकली आपकी ट्रैक करता रहेगा। स्पोर्ट्स का आपको जो ऑप्शन है यहाँ पर आप वॉक का भी रख सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर देता है, तो ये सेटिंग रहती है। वेग गेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आप अगर हाथ को उठाते हैं तब ये जो बैंड है ये ऑन हो जाता है, लाइक मैंने अगर इस वॉच को उठाया यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो गए। तो रेस्ट टू बैकअप का आपको फीचर मिलता है, हेल्थ केयर की अगर बात करें तो आप उसको ऑन कर दीजिए। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मेंस्ट्रुअल सेटिंग्स का, यहाँ पर ये वुमेन हेल्थ के रिगार्डिंग इस फीचर को डाला गया है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उनका, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये आपको सेटिंग मिल जाती है। बाकी मोर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी सेलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपने काफ़ी सारे एक्टिविटी के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको ऑन कर दीजिए, जिससे अगर आपको फ़ोन कहीं भी रखा है और आप भूल गए हैं तो ये आपको उसे ढूंढने में मदद करेगा। हार्ट रेट जोन की बात करें तो यहाँ पर कस्टम, इसको भी हम ऑन कर देते हैं, कस्टम मैक्स HR, यहाँ पे जो भी आपकी हार्ट रेट रहेगी यानी कि जो मैक्सिमम हार्ट रेट यहाँ पर है वो 197 है, आप यहाँ पर अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 140 मैक्सिमम हार्ट रेट सेलेक्ट कर देता हूँ, आपके हिसाब से जितनी आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट होनी चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डो नॉट डिस्टर्ब आपको ऑप्शन मिल जाता है अपने वॉच में ही ऐड करने का, और रिबूट डिवाइस जो है आप इससे अपनी वॉच को रिबूट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर फर्मवेयर अपडेट की बात करें तो ये यहाँ पर अपडेटेड है ऑलरेडी, और HGPS अपडेट की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप अपडेट हो जाता है, तो ये वॉच का कुछ फीचर रहते हैं। और बाकी बस ये है कुछ सेटिंग्स, यहाँ पर अगर आप यूज़र में आते हैं तो आप अपनी गूगल सेटिंग्स यहाँ पर जो भी आपकी सेटिंग्स है कुछ गड़बड़ों में आप यहाँ चेक कर सकते हैं। रैंकिंग में आप यहाँ पर अपना लॉगिन ID वगैरह डाल सकते हैं, अभी आपका क्लाउड में स्टोरेज हो जाती है, आपके ID पासवर्ड पर स्टोर हो जाता है जो भी आपका डाटा है। और बाकी यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पर अपने गूगल फिट एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं गूगल इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करता तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो वॉच है आपकी गूगल फिट की एप्लीकेशन के साथ भी काम कर सकती है, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो बस ये था एक टोटल इसका कंप्लीट सेटअप, जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन एक प्रोवाइड हो सके। तो फिलहाल अगर आपको ये सेटअप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे और आने वाले अमेजिंग कंटेंट ऐसे देखने को मिलते रहें।